मुंबई से दिल्ली जा रही विस्तारा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में सवार यात्रियों की जान तब खतरे में पड़ गई जब विमान को खराब मौसम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा सका। जानकारी के मुताबिक सोमवार को मुंबई से दिल्ली जा रहे विस्तारा एयरलाइंस के विमान में 153 यात्री सवार थे, जिसे दिल्ली में खराब मौसम की वजह से लखनऊ के लिए डायवर्ट कर दिया गया, लेकिन खराब विजिबिलिटी की वजह से विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर भी नहीं उतारा जा सका। इस बीच लगातार उड़ान भरने की वजह से विमान का फ्यूल भी तेजी से कम हो रहा था, जिसको देखते हुए पायलट ने विमान को लखनऊ से प्रयागराज ले जाने का फैसला किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनट बाद लखनऊ एटीसी ने पायलट को मौसम साफ होने की जानकारी भी दी, जिसके बाद पायलट विमान को प्रयागराज के रूट से वापस मोड़ते हुए लखनऊ पहुंचा, विमान को सही सलामत लैंड करवाया। बताया गया कि लैंडिंग के वक्त विमान में सिर्फ 5 मिनट तक उड़ने लायक फ्यूल बचा था, और अगर विमान की लैंडिंग में थोड़ी सी भी देरी और हुई होती तो 153 यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापेमारी के बाद उनके साले जकी अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अतीक अहमद के घर से 8 लाख रुपए नगद और कुछ कागजात भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने कल सुबह 7 बजे ये छापेमारी शुरू की, जो देर रात तक चलती रही। ये छापेमारी लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल के मामले में की गई है। मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल ले जाने के बाद उनसे मारपीट की गई थी। मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया था। जकी अहमद एडवोकेट है। जब मोहित जायसवाल जो है बेमानी करने लगा तो उनको डायरेक्टर बना दिया गया था, तो मोहित जायसवाल ने उनको नेम कर दिया था FIR में, तो उनकी गिरफ्तारी CBI ने की है। पूरे 12 घंटे कार्रवाई चली है। फर्द में जो है बहुत मामूली से फर्द है, 2-3 घरेलू खर्चे के रजिस्टर हैं और 9 चेकबुक हैं, 8 लाख रुपया कैश है, बस कुल जमा इतनी चीजें हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस में किसी भी विवाद से इनकार किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने प्रदेश कांग्रेस में किसी भी विवाद से इनकार किया और ब्लॉक कमेटियों समेत दूसरी इकाइयों में बदलाव को जरूरी बताया। कोई टकराव नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक महिला टीचर ने छात्रों की पिटाई कर उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद टीचर की शिक्षा विभाग से शिकायत की गई। चल बोल बन के, जल्दी बन, जल्दी बोल। दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में एक चलती कार में आग लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी लोग वक्त रहते कार से बाहर निकल गए। गाड़ी के साथ जल्दी से दौड़ पड़ा और यहां आके तुरंत गाड़ी पहुंचने आग बुझाने पर काबू नहीं पाया। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने नेटवर्क 18 के मिशन पानी अभियान का समर्थन किया और राज्य में जल्द सभी लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करवाने के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। मोदी कैबिनेट की बैठक में बांधों की सुरक्षा के लिए एक बिल को मंजूरी देने समेत कई फैसले लिए गए। सरकार ने पहली दफा ये डैम सेफ्टी का एक पूरा कानून बनाया है। राजस्थान के बीकानेर में कुछ लोगों पर मीटरों की जांच करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप लगा। निकलने से पहले हमारी टीम के साथ जो है उन्होंने रोक लिया, ड्राइवर को रोक के आदमियों के साथ बदतमीजी की। शिवसेना ने बीमा कंपनियों पर किसानों का फसल बीमा नहीं देने का आरोप लगाते हुए मुंबई में प्रदर्शन किया। आपको शिवसैनिक दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ किसान दिखाई पड़ रहे हैं, जो बीमा कंपनियों के खिलाफ मोर्चे को लेकर आए हुए हैं। यूपी में बरेली के मेयर उमेश गौतम ने पिछले 4 महीनों में गौशाला में 125 गायों की मौत का दावा किया और निगम के अधिकारियों पर उनके शव गड्ढों में दबाने का आरोप लगाया। अगर ये पहले दिन से सचेत होते तो शायद आज ये संख्या 125 की ना होती। समाजवाद